भैया जब गाय के ऊपर हाथ रखने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जा रहा है, कैंसर ठीक हो जा रहा है, कोरोना वायरस ठीक हो जा रहा है, तो यार ये लोग कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हैं? क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से कह देती कि भैया पूरे देश में कह दो, हर सबके घर में एक एक पैकेट गौमूत्र भिजवा दो, या तो फिर पूरे देश में ये ऐलान कर दो कि वैक्सीनेशन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीन की किसी को आवश्यकता नहीं है, सब लोग अपने घर में आसपास में देखें कहीं ना कहीं तो गाय मिल ही जाएगी, वहां जाके एक एक गिलास गौमूत्र लीजिए, पीजिए, गोबर खाइए, ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोरोना हो जाए, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आप गाय का गोबर खा लीजिए, दूध पी लीजिए, गाय का मूत्र पी लीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उम्मीद है आप गुस्से में तमतमा कर उस डॉक्टर को थप्पड़ ना मार दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के नेता देश में इसी तरह का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता देश में प्रचार कर रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना होता है तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, पंचगव्य अगर वो इस्तेमाल करता है तो कोरोना से मुक्ति पा जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि वो जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी उनका कैंसर का इलाज तक गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, यानी कि पंचगव्य से उन्होंने ठीक कर लिया था। आप सोचिए पहले सोशल मीडिया पर फैल रहा उनका ये वीडियो देखिए जो इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, प्रज्ञा ठाकुर का ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ ले रही हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ तो देखा आपने किस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि बीजेपी के नेता हैं किस तरह से बयान दे रही हैं कि गाय के मूत्र से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर गाय के पीछे आप हाथ फेरते हैं तो आप ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो वो कंट्रोल हो जाता है। सोचिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं देश के नेता और ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे बयान कितने हद तक स्वीकार करने लायक है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं जो यही दावा कर रही थी कि उनका जब कैंसर हुआ था, उनके राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उन्होंने उसका इलाज गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, यही सब खा पी के उन्होंने कैंसर ठीक कर लिया था। लेकिन जब उनके डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उनके डॉक्टर ने कहा नहीं, सब बिल्कुल गलत है, उनका बकायदा प्रॉपर इलाज हुआ था। अगर डॉक्टर कह रहा कि उनका इलाज हुआ था तो देश की जनता को वो क्यों गुमराह करते हैं कि गाय के मूत्र पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, कैंसर तक खत्म हो जाता है, कोरोना वायरस की कौन सी यहां पर मिसाल है? देखिए कहीं ना कहीं देश में बीजेपी के नेता हैं या फिर कई ऐसे सारे लोग हैं जो इस समय में इस तरह के भ्रामक बातें कहकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो में एक महिला पत्रकार होती है, वो एक बीजेपी के नेता से ही सवाल पूछती है गाय के मूत्र को लेकर, गोमूत्र को लेकर सवाल पूछती है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हाँ गाय का जो मूत्र होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही उसमें कई हजार दवा होती है और मैं रोज पीता हूँ, वो भी ये भी दावा करते हैं कि मैं रोज पीता हूँ और इसी से मैं स्वस्थ रहता हूँ, ऐसे बता रहे हैं। महिला पत्रकार अपने पर्स से गौमूत्र निकालती है और कहती है कि लो भैया पियो, अभी हमारे सामने पियो, कैमरे पर पी के दिखाओ, देश की जनता देखे तो कि तुम गौमूत्र पी के ठीक हो रहे हो, गौमूत्र पी के ऐसे हुष्ट पुष्ट बने हुए हो। भाई साहब भाग लेते हैं, भाई साहब नहीं पीते, कहते ये क्या बेहुदापन है, ये क्या मजाक है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। भैया जब आप लोग ऐसे बातें करते हैं तो देश के सामने कैसी बातें होती हैं वो? तो ठीक ऐसे ही देश में कुछ ऐसे ही अराजक तत्व है जो देश में इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात तब होती है ये लोग बाद में आके अपने ही बयान पर सफाई देते हैं कि मैंने नहीं कहा था, गलती से निकल गया था, ऐसी ऐसी बातें कही थी। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर ही इसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रही थी कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और उन्होंने महात्मा गांधी को, सबको पता है महात्मा गांधी को किसने मारा था, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को देशभक्त कहना कौन सा देशभक्ति वाला काम है। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था। वैसे कुछ उन्होंने सफाई दी कि मतलब उन्होंने नहीं कहा था, वो माफी मांग रही है।
देश की जनता को गुमराह करने में क्या मजा मिलता है इन लोगों को। अब एक और वीडियो देखिए। पूरे देश में कोरोना की लहर तो मची हुई है, लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, पैरासिटामोल, इन सब चीजों के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं मिल रहा, जो बहुत ज्यादा किस्मत वाला है उसे इन सब चीजों से मुलाकात हो रही है, सब चीजें मिल रही हैं और उसके बाद भी जिंदगियां नहीं बच रही हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर ही अफवाह फैलाने में पीछे नहीं है। जिसके भी ट्विटर अकाउंट पर आप देखेंगे ऐसे तो राष्ट्रभक्त लगा होगा। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में एक ट्विटर यूजर है जिसका नाम है पवन पांडे। पवन पांडे राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, पवन पांडे राष्ट्रभक्त, ये जनाब लिख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कि एक समय जब देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हर जगह मारामारी मची हुई है, ऐसे में कांग्रेस शासित एक राज्य में यानी कि राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है किस तरह से ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है। और ये जनाब पवन पांडे जी राष्ट्रभक्त जो हैं वो लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मोदी जी केंद्र सरकार परेशान हो रही है और कांग्रेस की सरकार यूं ऑक्सीजन को फेंकवा रही है। अब जब मैंने देखा इस खबर को, हमने भी देखा, तो हमने सोचा क्यों ना इस खबर की पड़ताल की जाए। तो हमने गूगल बाबा से संपर्क किया, गूगल बाबा के अंदर ये कीवर्ड डाले और खोजना शुरू किया, तो हमें मालूम चला कि ये वीडियो तो 2020 का है। अभी जो हो रहा है, अभी से इस ऑक्सीजन की किल्लत में इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। ये 2020 का वीडियो है और एक न्यूज चैनल जो कि न्यूज फर्स्ट राजस्थान ऐसे कुछ करके है, उसमें साफ तौर से 2020 को उसके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो, ये खबर पोस्ट की गई थी और उसका स्क्रीनशॉट देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, अगर ऐसी खबरें आप देखते हैं कि मोदी जी तो देश में मेहनत कर रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग उसके बाद भी मर रहे हैं, तो ऐसे में जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की इस तरह से बर्बादी की जा रही है, सुनकर तो गुस्सा आएगा। ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे नफरत भरे ट्वीट, नफरत भरे झूठे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? पूरा देश परेशान है, पहले कोरोना आया, अब चक्रवाती तूफान आ रहा है, ब्लैक फंगस आ रहा है, इन सब चीजों से जनता निपट ही नहीं पा रही है कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर आप इन सब नेताओं के फॉलोवर हैं तो अगर आप इनकी बातों में आते हैं तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि अगर साध्वी प्रज्ञा का कैंसर गोमूत्र पीने से ठीक हो गया तो लाओ भैया एक गिलास मैं भी पी लेता हूं, एक गिलास गोबर मैं भी खा लेता हूं। आज तक के पत्रकार हैं राहुल कमल, उन्होंने एक बार इसी साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू लिया था और देखिए किस तरह से साध्वी प्रज्ञा राहुल कमल से ये कहते हुए दिखा रही हैं कि गाय हमारी माता है, तो सबको पता है गाय हमारी माता है, इसको ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो गाय बहुत खुश होगी। मतलब अगर गाय के इस हिस्से से आप स्पर्श करते हो और पीछे तक ले जाते हो तो गाय बहुत खुश होती है, गाय को बहुत सुखद एहसास होता है और स्पर्श करने वाले को भी सुखद एहसास होता है। लेकिन अगर वही हाथ आप गाय के पीछे से वाले हिस्से से आगे की तरफ ले जाते हो तो गाय को बहुत दर्द होता है और आपका ब्लड प्रेशर उससे ठीक हो जाता है। अब भैया ये कौन सा साइंटिफिक रीजन है? अब उनसे जब पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गाय के ऊपर हाथ फेरने से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे सही हो सकता है, तो भड़क गई, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है, विज्ञान में मानता है कि गाय के ऊपर हाथ रखने से रक्तचाप ठीक हो जाता है। भैया जब गाय के ऊपर हाथ रखने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जा रहा है, कैंसर ठीक हो जा रहा है, कोरोना वायरस ठीक हो जा रहा है, तो यार ये लोग कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हैं? क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से कह देती कि भैया पूरे देश में कह दो हर सबके घर में एक एक पैकेट गौमूत्र भिजवा दो, या तो फिर पूरे देश में ये ऐलान कर दो कि वैक्सीनेशन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीन की किसी को आवश्यकता नहीं है, सब लोग अपने घर में आसपास में देखें कहीं ना कहीं तो गाय मिल ही जाएगी, वहां जाके एक एक गिलास गोमूत्र लीजिए, पीजिए, गोबर खाइए, ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये गलत है,
तो लोगों के बीच में ये गलत जानकारियां क्यों दी जाती है? ऐसे नेता इस तरह के उलूल जुलूल बयान देकर इस तरह से क्यों बयान देते हैं ताकि जनता उससे गुमराह हो? लोग अपने अपने परिजनों को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लोग हाथों में दम तोड़ रहे हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, लाशें ही लाशें दिख रही हैं। चाहे जहां आप देखिए हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं को इसमें भी मसाला दिख रहा है, इसमें भी गाय की राजनीति दिख रही है। पहले क्या होता था, किसी एक धर्म विशेष पर आक्रमण किया जाता था, लेकिन अब कोरोना महामारी में वो नहीं हो रहा है, तो गाय को लेकर मैदान में कूद गए हैं। गाय, जब आप भी देखते होंगे, जब आप अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर निकलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि रास्ते में कई सारी ऐसी गाय मिल जाती हैं जिन्हें लोग आवारा पशु कहते हैं। उन्हें आवारा पशु क्यों कहा जाता है, जब देश में इतने सारे गाय के रक्षा करने वाले लोग हैं, गाय के मूत्र से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, चक्रवाती तूफान रुक जा रहा है, उस गाय को यूं खुले में आवारा पशुओं की तरह छोड़ देना कहां तक सही है? और अगर ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे या उनको नहीं निकालना चाहिए, जो इस तरह से उलूल जुलूल बयान देकर, भ्रामक बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं? अगर वाकई में गाय से जुड़ी हुई जो जानकारियां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों को बताई है, अगर वो जानकारियां सही है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को ये जरूर आकर कहना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह सही कह रही हैं, लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लोगों को गोमूत्र की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से जरूर बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, आप अपने राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, और आप देखते रहिए देव का पंच। चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, आदाब।